हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सेंट्रल टेंडेंसी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन में करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन का क्या मतलब है? टॉपिक का नाम से सब कुछ क्लियर हो रहा है कि इनकरेक्ट मीन है जिसको हमें करेक्ट करना है किसी तरीके से। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं तो टॉपिक का थोड़ा सा फील होए आपको कि टॉपिक है क्या एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और आउट ऑफ 100 उनका टेस्ट लिया गया, किसी के 30 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, किसी के 83 आ रहे हैं, किसी के 69 आ रहे हैं, किसी के अलग अलग सबके मार्क्स आ रहे हैं। हमें क्लास का एवरेज स्कोर निकालना है। एवरेज स्कोर के लिए हमने सबको ऐड कर दिया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, 50 वैल्यूज को ऐड करके सिग्मा एक्स बना लिया, उसको 50 से डिवाइड दिया और अपना मीन आ गया। लेकिन लास्ट में हमें ये फील हुआ सब कुछ करने के बाद में छोटी सी जगह पर कि एक वैल्यू हमसे गलत टाइप हो गई, जिसके कारण जो मीन आया है फाइनल वो भी गलत आ गया है। भाई एक वैल्यू 35 लिखनी थी, गलती से हमने उसकी जगह 65 लिख दिया, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अब मिस्टेक हुई है तो सिग्मा एक्स ही गलत आ गया, टोटल वैल्यू उसका सम ही गलत आ गया, तो जाहिर सी बात है कि जो मीन आएगा वो भी गलत आएगा। तो उस मीन को कैसे करेक्ट करें? अब उस मीन को करेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि भाई आपके पास 50 वैल्यूज हैं, अब आपको पता चल गया ये वाली गलती हुई है, आप वापस से सारा शुरू करो और उस गलती को दोहराओ मत, वापस से 50 वैल्यूज का टोटल करो और उसको 50 से डिवाइड लगा दो। तो ये मेथड तो काफी ज्यादा बड़ा मेथड हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा निकल जाए कि सिर्फ एक वैल्यू की गलती है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन करने पर वो गलती अगर ठीक हो जाए और मीन करेक्ट हो जाए अपना, तो बेस्ट है ना। तो हम लोग यहां पर यही सीखेंगे कि हमें उन वापस से 50 वैल्यूज का टोटल नहीं करना, ताकि फालतू में हेक्टिकनेस नहीं हो, पुराना वाले वैल्यू की ही हेल्प लेकर के, पुराना वाला जो मीन हमने निकाला है उसी की हेल्प लेकर के उसमें छोटा सा करेक्शन करके, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको करेक्ट कर लेंगे नई वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो किस तरह से करना होता है ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल एक वैल्यू हमसे गलती से टाइप हो जाए, हो सकता है दो वैल्यूज गलती से टाइप हो जाए, गलत टाइप हो जाए तो उसको सही कर सकते हैं हम लोग। कितनी भी वैल्यूज हो जिनमें गलती हो जाए तो हम उसे सही कर सकते हैं इस टॉपिक की मदद से। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला देखिए मीन का होता क्या है। वैसे बेसिकली मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब बात यहां पर है, हम लोग करना चाहते हैं करेक्ट किसको? मीन को। तो अगर मीन आपको करेक्ट चाहिए, अगर आपको करेक्ट एक्स बार चाहिए, तो जाहिर सी बात है एक्स बार के फॉर्मूले में केवल दो ही वैल्यूज हैं, सिग्मा एक्स और एन। तो आपको सिग्मा एक्स भी करेक्ट चाहिए और एन भी करेक्ट चाहिए। भाई आपको अगर एक्स बार करेक्ट चाहिए तो उसके लिए ये दोनों करेक्ट वैल्यूज डाल दो, डिवाइड होकर जो आएगा वो करेक्ट ही आएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो मैं यहां लिखता हूं कि यहां पर आपको एक तो करेक्ट सिग्मा एक्स चाहिए और डिवाइड में करेक्ट ही अपने को एन चाहिए। अब बात यह है कि चलो एन तो काउंट करके हम लोग पता चला लेते हैं कि भाई करेक्ट क्या है, लेकिन करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकालें? करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने का क्या तरीका है? करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा अपने को। मैं यहां फॉर्मूला भी लिखूंगा लेकिन एक बार पहले सुने आप। करेक्ट सिग्मा एक्स निकालना है तो आपको पहले उसकी इनकरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको यह पता है कि टोटल इतना आया है, गलत आया है ये, लेकिन ये है टोटल, तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स अगर आपको पता है और आपको पता है कि ये छोटी सी वैल्यू उसमें गलत हो गई थी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इनकरेक्ट सिग्मा एक्स में उस छोटी सी वैल्यू को हटाएंगे, मतलब माइनस कर देंगे, और उसकी जगह सही वैल्यू उसके पास रख देंगे। तो क्या हुआ, ये जो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आया है उसमें से इनकरेक्ट वैल्यू हमने हटा दी, और एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो उन सभी को हटा दिया। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स में से इनकरेक्ट वैल्यूज हटा लो और करेक्ट वैल्यूज वहां पे लगा दो। यही तरीका है सिग्मा एक्स को करेक्ट करने का। गलत वैल्यू हटाई, उसकी जगह सही डाल दी, हो गया टोटल सही, उसमें क्या दिक्कत है। मैं यहां लिखता हूं एक बार, करेक्ट सिग्मा एक्स का मतलब है इनकरेक्ट जो आपके पास सिग्मा एक्स आया है उसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज माइनस कर लो। इनकरेक्ट वैल्यू लो या वैल्यूज लो, एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं मैं यहां। इनकरेक्ट वैल्यूज माइनस करो और करेक्ट वैल्यूज को इंसर्ट कर दो, ऐड कर दो, तो अपने आप आपका ये जो सिग्मा एक्स है इनकरेक्ट वाला वो करेक्ट हो गया अब, गलत हटा के सही लगाने पर, और डिवाइड में आपके पास करेक्ट एन चल ही रहा है, तो ये करेक्ट एन आपके पास चल रहा है, इससे आपको जो मिलेगा वो अपने आप ही करेक्ट एक्स बार मिलेगा।
तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाया है हमने करेक्ट एक्स बार का। रटने की बात नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है भाई, इनकरेक्ट में से इनकरेक्ट वैल्यूज हटा करके करेक्ट वैल्यूज लगानी है, तो एकदम ऑब्वियस फॉर्मूला लगाया है, ऐसी कोई बात नहीं है विशेष। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको अप्रोच बनेगी थोड़ी सी और आगे। मैं तीन एग्जाम्पल्स यहां पर लूंगा, तीनों अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देखिए। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखिए दो एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर लिखे हैं, तीसरा इनके बाद अपन करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिसका मीन निकाला गया 40 आ गया। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज 83। स्कोर था 53, गलती से हमने रीड कर लिया 83, तो 83 आ गया टोटल में, उसके कारण मीन गलत हो गया। तो फाइंड द करेक्ट मीन करस्पॉन्डिंग टू करेक्ट स्कोर। करेक्ट स्कोर मतलब 53 के हिसाब से अब फाइनल करेक्ट मीन क्या आएगा। तो शुरू तो यही होगा भाई, अपने को मीन करेक्ट करना है, तो करेक्ट सिग्मा एक्स चाहिए। सिग्मा एक्स कैसे करेक्ट करें, पहले उसकी इनकरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको सिग्मा एक्स की इनकरेक्ट वैल्यू नहीं पता तो उसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो पहले इनकरेक्ट वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए। तो इनकरेक्ट वैल्यू कैसे निकालें भाई, इनकरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए यहां जहां करेक्ट करेक्ट लगा है, अगर वहां मैं इनकरेक्ट इनकरेक्ट लगा दूं तो वैल्यू इनकरेक्ट आएगी कि नहीं आएगी। मतलब ये जो एक्स बार है ये 40 आया है, तो मैं यहां 40 लिख दूं, अपने पास फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। मैं यहां एक्स बार की जगह 40 लिख दूं, सिग्मा एक्स यहां चल ही रहा है, एन आपको पता है 100 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां से सिग्मा एक्स साफ साफ आएगा 4000 यू मल्टीप्लाई होकर के। तो ये जो 4000 आया है, क्योंकि ये 40 इनकरेक्ट है, इस कारण से इससे मिलने वाला सिग्मा एक्स भी इनकरेक्ट ही आएगा। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालना एकदम आसान है, फॉर्मूले में इनकरेक्ट एक्स बार रख दो, अपने आप इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आपको मिलेगा। एक और छोटा सा लॉजिक है जिससे आप इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकाल सकते हो, जिसमें आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, लॉजिक वही है हालांकि फॉर्मूले वाला ही, कि भाई ये सोच सकते हो 100 स्टूडेंट्स के एवरेज स्कोर 40 है। एवरेज का मतलब क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू, इसका मतलब हर एक वैल्यू को हमने 40 से रिप्लेस कर दिया। किसी के कितने भी मार्क्स आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, अगर उसके एवरेज मार्क्स पूरी क्लास के 40 है, इसका मतलब ये हो गया कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स 40 40 40 40 40 40 हो गए सबके, तो 40 40 मार्क्स हो गए अब सबके एवरेज का मतलब ये होता है, सेंट्रल वैल्यू का ये मतलब होता है कि एक वैल्यू असाइन हो गई सबको। तो 100 स्टूडेंट्स को 40 वैल्यू असाइन हो गई, तो 40 40 40 40 आप 100 टाइम्स ऐड करोगे तो 40 × 100 अगेन आएगा आपका 4000। तो बेसिक लॉजिक लगाओगे तो भी हो जाएगा, और अगर फॉर्मूला लगाओगे तो भी हो जाएगा, सेम चीज ही आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स वहां पर रखें हम, तो अगर सिग्मा एक्स को करेक्ट करना है तो पहले इनकरेक्ट वाला रख दिया, उसके बाद इनकरेक्ट वैल्यूज जो जो है वो माइनस कर दो। इनकरेक्ट वैल्यूज कौन कौन सी है भाई, इनकरेक्ट वैल्यूज है 83, एक ही वैल्यू है, दो तो नहीं है, एक ही है, तो 83 माइनस कर दो, हमने जो ऐड किया था उसमें 83 गलती से आ गया, उसको हटा दिया, सही वाला लगा दो उसकी जगह, 53 उसकी जगह लग जाएगा। करेक्ट एन, एन तो करेक्ट ही है, एन में कोई छेड़छाड़ करी नहीं अपन ने, 100 है अभी भी। तो ये कितना बनेगा अपना, 4000 में से ये माइनस करके इसको ऐड करोगे तो ये बनता है अपना 3970 डिवाइडेड बाई 100, तो करेक्ट मीन आया अपने पास 39.7, ये करेक्ट है, 40 इनकरेक्ट था। तो बहुत ही बेसिक लॉजिक से हमने करा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच क्या बनती है। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है उस अप्रोच को समझने के लिए। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10। टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन 10 आया है। ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट। वहां पर जितने भी टोटल किए थे 20 वैल्यूज को, उसमें से ये 8 ये इनकरेक्ट है, उसको हटाना पड़ेगा। अब यहां दो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द करेक्ट मीन, पहला केस, अगर इफ रॉन्ग आइटम इज ऑमिटेड, मतलब जो गलत आइटम है उसको हटाना ही है, अपने को चाहिए ही नहीं, वो टोटल 20 वैल्यूज की जगह 19 रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, 19 का निकाल लेंगे टोटल। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई ये तो स्टूडेंट को निकाल दिया गया है क्लास से ही, तो इसको हटाओ, बाकी क्लास में बचे ही 49 स्टूडेंट से 50 में से, तो 49 का ही एवरेज निकालना है अपने को। तो उस तरह का केस हो गया, तो रॉन्ग आइटम को हटाना है एकदम ही,
दूसरा केस की नहीं, रॉन्ग आइटम को हटाना तो है लेकिन उसकी जगह 12 आना चाहिए, करेक्ट वाला लगाना भी है, मतलब टोटल अभी भी 20 ही करने हैं। इन दोनों में ये फर्क है, इसमें टोटल 19 रह जाएंगे क्योंकि इसमें इसकी जगह कुछ लगा नहीं रहे हम, यहां टोटल अभी भी 20 ही रहेंगे क्योंकि 8 हटा करके 12 लगा रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, अगर आपको मीन को करेक्ट करना है तो सबसे पहले करेक्ट सिग्मा एक्स चाहिए, और करेक्ट सिग्मा एक्स के लिए इनकरेक्ट सिग्मा एक्स चाहिए। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालने का क्या तरीका, इस फॉर्मूले में रख दो या फिर लॉजिक लगा लो कि 20 ऑब्जर्वेशंस के एवरेज स्कोर 10 आए हैं तो 10 10 10 10 10 20 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो 20 इंटू 10 200 आ जाएंगे सिग्मा एक्स, इनकरेक्ट वाला। और वैसे नहीं लगाना चाहें तो इस तरीके से आप लगा लें कि इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से सेकेंड वाले में आप टेन इसका मीन लो और सिग्मा एक्स हम निकालेंगे, एन आपके पास है 20 ऑब्जर्वेशंस, तो यहां से जो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आया वो आया 200, ये अपने पास इनकरेक्ट वाला आ गया। अब इनकरेक्ट वाला तो आ गया, इसको करेक्ट कैसे करें? इसको करेक्ट करने के लिए मैं यहां लिखता हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड यहां से शुरू हो रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट मैं शुरू करता हूं यहां पर। फर्स्ट पार्ट में करेक्ट अगर एक्स बार चाहिए तो भैया इनकरेक्ट वैल्यू लो पहले, तो इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है 200, उसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज हटाओ। इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है, इसने बोला है 8 वाज इनकरेक्ट, तो 8 हटा दो, 200 में से 8 हटा दो। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो इसने बोला है कि रॉन्ग आइटम हटाना है, कुछ लगाना नहीं है, तो करेक्ट वैल्यू कुछ लगानी ही नहीं है तो छोड़ दो उसकी जगह, कुछ नहीं लगाना उसकी जगह। और टोटल हमारे करेक्ट कितने हो जाएंगे उस केस में, करेक्ट एन की वैल्यू 19 हो जाएगी क्योंकि रॉन्ग आइटम बस हटाना है, उसकी जगह कुछ लगाना नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर थी जो डिस्कस करने लायक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 19 विच इज इक्वल टू 10.1 अगर आप कैलकुलेट करते हैं। तो छोटा सा फर्क आ गया हमारे मेन में। अब एक बार देखते हैं सेकंड वाला केस, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाई 12, मतलब 8 हटाया 12 लगाया, तो सिंपल सी बात है, सेकंड केस में अगर आपको करेक्ट मीन चाहिए तो सबसे पहले तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स तो अपना 200 है, 200 में से इनकरेक्ट वैल्यू हटाई और करेक्ट वैल्यू लगा दी, और सेम 20 से ही डिवाइड लगेगा क्योंकि जो हटाई थी उसकी जगह एक नई आ गई है, तो अभी भी 20 वैल्यूज ही है टोटल, तो 20 वैल्यूज ही हैं। तो ये कितना हो रहा है टोटल, ये आ रहा है 204 और नीचे है 20, आंसर आएगा 10.2 करेक्ट मीन। तो इस तरीके से हम लोग मीन को करेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी एन में भी चेंजेस करने पड़े, इसलिए एक्चुअल में जानबूझकर के ये वाला क्वेश्चन दिया है कि इसके फर्स्ट पार्ट में एन चेंज है, सेकंड में एन चेंज नहीं है, तो कब एन चेंज होता है कब नहीं होता है उससे थोड़ा सा अपने को अंदाजा लगेगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी तक तो क्या था, एक एक वैल्यू गलत थी, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें दो वैल्यूज गलत है, उसकी जगह दो सही वैल्यूज लेके आनी है, तो कैसे करना है उसको देखिए, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज फाउंड टू बी 65, इफ एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन टू आइटम्स आर रॉन्गली टेकन एज 30 एंड 27 इंस्टेड ऑफ 3 एंड 72, फाइंड करेक्ट मीन। तो मतलब 50 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसका मीन निकाला गया 65 आ गया, 65 मीन आया, अब दो आइटम्स गलती से 30 और 27 ले लिए गए हैं जबकि लेना क्या चाहिए था 3 एंड 72, तो गड़बड़ हो गई, दो आइटम्स में गड़बड़ हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, काम वही करना है, काम क्या करना है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स में से इनकरेक्ट वैल्यूज जितनी भी है सारी हटा दो और करेक्ट वैल्यूज जितनी भी है सारी लगा दो, प्लस कर दो, बस इतना सा काम है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सबसे पहला स्टेप इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाना है अपने को, मैं यहां लिखता हूं, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन में एक्स बार इनकरेक्ट वाला रख दो 65, सिग्मा एक्स हम निकालेंगे, एन हमारे पास है 50 ऑब्जर्वेशंस, तो यहां से जो सिग्मा एक्स आया 65 इंटू 50 वो होगा 3250, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आ गया। अब इनकरेक्ट वाला आ गया तो करेक्ट हम लोग इजीली निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स यहां पर रखो, वो कितना है 3250, 3250 यहां रखा, उसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज जो जो है वो सब हटा लो, दो वैल्यूज है इनकरेक्ट 30 और 27, तो 30 हटाया 27 हटाया, करेक्ट वैल्यूज लगानी है
थ्री और 72, थ्री और 72 यहां पर लगाओगे, थ्री प्लस 72 और नीचे डिवाइड में करेक्ट n, n करेक्ट अभी भी 50 ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, तो ये बनेगा 3268 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 65.36। ये हमारा करेक्ट x बार आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाई अगर मेन इनकरेक्ट है तो उसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, भले एक गलती हो जाए या एक से ज्यादा गलतियां भी हो जाए, दो से ज्यादा तीन गलतियां भी हो जाए तो भी यही काम करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपना मेन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल वाले कंसेप्ट को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंसेप्ट आगे के कई सारे टॉपिक्स में काम आएगा, केवल एक टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है वो। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको इस पूरे वीडियो की PDF आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें जो भी वीडियो की PDF है उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की शीट भी है, तो वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी टॉपिक चल रहा है उसके ही कुछ क्वेश्चंस और वहां पर प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव हिसाब से ही, तो आप वहां पर इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक आपका एकदम पक्का कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। थैंक यू।